हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अतुल क्लासेस। आई एम अतुल श्रीवास्तव, एजुकेटर, मेंटर एंड करियर कोच। टुडे एक वंडरफुल न्यूज आपके सामने आई है, इसे शेयर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। देखिए, CSJMU यानी कानपुर यूनिवर्सिटी की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 16 जुलाई से, आज के पेपर में ये न्यूज आई है। छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी व उससे संबद्ध कॉलेज की स्नातक की और परास्नातक की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 16 जुलाई से शुरू होंगी। हर विषय का एक ही पेपर होगा, सवाल बहुविकल्पी होंगे। परीक्षाएं 17 दिन चलेंगी और 25 अगस्त को परिणाम जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद नया सत्र 1 सितंबर से शुरू हो जाएगा। यह फैसला विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति ने गुरुवार को लिया है। कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक की अगुवाई में हुई परीक्षा समिति की बैठक में बताया गया कि अंतिम वर्ष में 2 विषय होते हैं और उसमें 3 पेपर होते हैं। कोरोना की वजह से सत्र वैसे ही लेट चल रहा है, इस वजह से निर्णय लिया गया है कि एक विषय का एक ही पेपर कराया जाए। कूटा अध्यक्ष डॉक्टर बी डी पांडे, महामंत्री डॉक्टर अवधेश सिंह ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि 3 पेपरों के प्रश्नों को एक पेपर में समाहित करना छात्रों के साथ धोखा है। हालांकि कुलपति का कहना है कि शासन की ओर से मंजूरी मिल गई है, वही निर्णय लिया कि 2020 में फेल होने वाले जिन छात्रों ने बैक पेपर के लिए आवेदन किया था उनको बैक पेपर नहीं देना है, उन सभी छात्रों को प्रमोट कर दिया जाएगा। परीक्षा समिति में रजिस्ट्रार डॉक्टर अनिल कुमार यादव, प्रोफेसर संजय स्वर्णकार, डॉक्टर बी डी पांडे, डॉक्टर अवधेश सिंह, प्रोफेसर नंदलाल मौजूद रहे। तो ये एक न्यूज निकल कर सामने आई है, स्नातक और परास्नातक की होनी है परीक्षाएं, एक विषय का एक ही पेपर होगा, 17 दिन में ख़त्म होगी, 25 अगस्त को आएगा परिणाम। पेपर 17 दिन चलेगा। कई पेपरों में अलग अलग न्यूज़ अलग तरीके से आई है। जैसे कि एक ये आया है, बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगी विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा। देखिए, 16 जुलाई से 1 अगस्त तक कराई जाएगी संपन्न। उसके बाद लिखा है, कूटा ने दर्ज कराई आपत्ति। 10 जून छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा जुलाई में संपन्न कराई जाएगी। आज 10 जून की न्यूज ये है, कल की तो मैंने आज अपलोड की है। परीक्षा में इस जितने भी अलग अलग पेपर हैं सबकी न्यूज मैंने कटिंग लेकर आपको दिखाने की कोशिश की है, ताकि आप लोग अपनी तैयारी एक बार रिवाइज़ कर लें फटाफट, जिससे आपके पेपर में मार्क्स अच्छे आ जाएं, है ना। तो परीक्षा में इस बार परीक्षार्थियों को बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे। परीक्षा के लिए सभी को 3 घंटे की बजाय 1.5 घंटे का समय मिलेगा, तो पेपर जो है थोड़ा कम टाइम का होगा, उसी अकॉर्डिंग पेपर भी बनेगा, डोंट वरी। कानपुर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने बहुविकल्पी प्रश्न पत्र पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। गुरुवार को CSJM विद्यालय के सेंटर फॉर एकेडमिक भवन में कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक की अध्यक्षता में मुख्य परीक्षा को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में तय किया गया कि परीक्षा 16 जुलाई से 1 अगस्त तक संचालित कराई जाएगी। परीक्षा में हर विषय में एक प्रश्न पत्र की व्यवस्था की जाएगी। परीक्षा का समय घटाकर 1.5 घंटे किया जाएगा। इस पर कोटा ने महामंत्री डॉक्टर अवधेश यादव ने आपत्ति दर्ज कराई। इसी के साथ महाविद्यालयों से परीक्षा शुल्क, माइग्रेशन शुल्क, उपाधि शुल्क, सत्यापन शुल्क एक साथ लिया जाएगा। सभी परीक्षाओं के लिए कोरी उत्तर पुस्तिका और प्रश्न पत्र डाक द्वारा संस्थानों को भेजे जाएंगे। परीक्षा के बाद डाक द्वारा विश्वविद्यालय में मंगाया जाएगा। बैठक में तय किया गया कि डिग्री के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले छात्रों को उपाधि उनके पते पर भेज दी जाएगी। बैठक में वित्त अधिकारी साधना श्रीवास्तव, प्रोफेसर संजय स्वर्णकार, प्रोफेसर नंदलाल, प्रोफेसर सुधांशु पांडे, प्रोफेसर बहुत सारे जितने भी प्रोफेसर हैं ये लोग मौजूद रहे, है ना। तो कुल मिला के ओवरऑल कुलपति की अध्यक्षता में बैठक में तय हुई थी। तो दोस्तों, ओवरऑल पेपर आ गया है कानपुर यूनिवर्सिटी का। तो अब आप 16 जुलाई, आपके पास 1 महीने बचे हुए हैं, 30 दिन में आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है और स्ट्रांग प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क्स लाइए और फटाफट रिवीजन कर लीजिए। देखिए, मार्क्स तो आपको पता है कि लिख कर ही आएंगे, तो जितना अच्छे से आप लिखेंगे पेपर को कानपुर यूनिवर्सिटी उतने अच्छे मार्क्स देगी। तो अगर थ्योरी का पेपर होता है तो लिख कर आइए, नहीं तो ऑब्जेक्टिव आता है तो पेपर थोड़ा टफ माना जाता है ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि उसमें ऑप्शन आएंगे। तो आपको सारे चैप्टर की इजी नोट्स अगर है तो इजी नोट्स से कर लीजिए, अगर आपके नोट्स बने हैं तो नोट्स से कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, यही न्यूज़ देनी थी। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एंड वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।